पशु प्रजनन फार्म कालसी में ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत एक व्यक्ति को बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी में लाया गया। बताया जा रहा है कि पशु प्रजनन डेयरी फार्मों में गायों को कीटनाशक दवाई लगाई जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि लड़के के पिता ने लड़के से गाय पर दवाई लगाने की बात कही है। पशु प्रजनन विभाग डेयरी फार्म में विभागीय कर्मचारी है लड़के के पिता। ठेकेदार का आदमी बताकर परियोजना निदेशक डेयरी फार्म कालसी ने जिम्मेदारियों से झाड़ा पल्ला। विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। पुलिस ने बताया कि लड़के के होश में आने के बाद की जाएगी जांच, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। पशु प्रजनन डेयरी फार्म की लापरवाही का दूसरा बड़ा मामला। लॉकडाउन 2 के दौरान भी बाहरी मजदूरों को 29 बाहरी राज्यों के मजदूरों को डेयरी फार्म में बिना अनुमति के आने का मामला सामने आया था। महामाया के जाल में उलझे हैं विभाग के अधिकारी। मेरा लड़का है। क्या तकलीफ होगी इनको? तकलीफ कुछ नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि गायों के वो लगा रहा था ये बूटस, अब बूटस चढ़ गई इसको, इसने ये नहीं लगा रखा होगा मांस। कहाँ काम करते हैं? डेयरी फार्म में, पशु प्रजनन। हाँ, वहाँ कोई डॉक्टर से नहीं थे? है जी, डॉक्टर नहीं है वहाँ पे पशुओं के? हाँ डॉक्टर हैं, तो उन्होंने सलाह नहीं दी इनको? अब बच्चे हैं, अब लगा दी होगी ऐसे। कब से काम कर रहे हैं वहाँ पे डेयरी में? ये ठेकेदार की तरफ से है, जो ठेकेदार की तरफ से लेबर नहीं रहती जी, ये उनसे काम कराता है। तो कोई आदमी कम पड़ गए होंगे तो वहाँ लगाई होगी इसने दवाई वगैरह। बस ये कालसी फॉर्म का कोई वर्कर है और ये काऊ यानी गायों के ऊपर जो है वहाँ पर टिक ना लगे उसके लिए वो लोग कुछ दवाइयाँ लगाते हैं और जो दवाई लगाई गई है उसको जो है वो शायद उसको उसने इनहेल कर लिया है और उसकी वजह से उसको बेहोशी हो गई थी और इसीलिए उसको यहाँ लेके आए हैं। अभी उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्योंकि इस दवाई जो दवाई उसको लगाई गई उसका एंटीडॉट नहीं होता है तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। मेरा ख्याल ऐसा कुछ ठीक रहेगा उसके साथ ही।